नमस्कार, आप देख रहे हैं सिल्क टीवी और मैं हूं आपके साथ निशा। आइए करते हैं खबरों की शुरुआत। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। भ्रष्ट जेल अधीक्षक के आवास पर विजिलेंस टीम ने मारा छापा, आय से अधिक संपत्ति का मामला दर्ज। सांसद की अध्यक्षता में आयोजित हुई दिशा की बैठक, जन कल्याणकारी योजनाओं को अविलंब पूरा करने के दिए निर्देश। श्रावणी मेला की तैयारी को लेकर एसएसपी पहुंचे सुल्तानगंज, पुलिस अधिकारियों के साथ कांवरिया पथ की सुरक्षा को लेकर की बैठक। रविवार को होने वाली बीपीएससी परीक्षा को लेकर डीएम ने अधिकारियों के साथ की बैठक, कहा 55 केंद्रों पर होगी परीक्षा। और ऑपरेशन नवचेतना के तहत पुलिस ने नशीली कफ सिरप बेचने वाले को किया गिरफ्तार। अब खबरें विस्तार से। पटना से आई निगरानी की स्पेशल विजिलेंस यूनिट की टीम ने शुक्रवार की सुबह सहरसा जेल अधीक्षक सुरेश चौधरी के ठिकानों पर छापेमारी की। वहीं मामले की जानकारी देते हुए निगरानी विभाग के इंस्पेक्टर विपिन बिहारी ने बताया कि सहरसा जेल के अधीक्षक सुरेश चौधरी पर आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने का मामला दर्ज है, जिसमें 1,59,00,000 संपत्ति अर्जित करने का आरोप लगाया गया है। उन्होंने बताया कि जेल अधीक्षक के खिलाफ मामला दर्ज करते हुए कोर्ट के निर्देश पर निगरानी की स्पेशल यूनिट ने जेल अधीक्षक सुरेश चौधरी के सहरसा आवासीय परिसर करीब 3 घंटे तक छापेमारी की, जिसमें विजिलेंस की टीम को अधीक्षक द्वारा दर्जनों प्लॉट में इन्वेस्टमेंट करने के कागजात मिले हैं, जबकि विजिलेंस की टीम को 10 लाख कैश भी बरामद होने की बात कही जा रही है। इधर सुबह सुबह जेल अधीक्षक के सहरसा स्थित आवासीय परिसर पर पहुंची विजिलेंस की 2 अलग-अलग टीम को देखकर जहां इलाके में सरगर्मियां तेज हो गई, वहीं दोनों टीमों ने सुरेश चौधरी के आय और संपत्तियों की जांच कर बरामद कैश और प्लॉट से जुड़े सतों को अपने कब्जे में ले लिया, जबकि फिलहाल निगरानी विभाग द्वारा मामले में छापेमारी जारी होने की बात कही जा रही है। जेल सुपरिंटेंडेंट सुरेश चौधरी हैं, उन पर आय से अधिक संपत्ति का मामला है, जो स्पेशल निगरानी यूनिट ने केस दर्ज किया है 6/22, उसी में माननीय कोर्ट के आदेश के अनुसार रेट छापेमारी की। बरामदगी अभी चल रही है, अभी तो जांच अभी चल रहा है, जिसमें दर्जनों प्लॉट में इन्वेस्टमेंट के कागजात मिले हैं, कैश बरामद हुआ है, उसकी भी जानकारी। जिला स्तरीय समन्वय एवं अनुश्रवण समिति की बैठक शुक्रवार को भागलपुर समीक्षा भवन में हुई, जिसकी अध्यक्षता सांसद अजय मंडल ने की। इस दौरान सांसद ने विभिन्न विभागों द्वारा जिले में चल रही योजनाओं के प्रतिवेदन को देखकर समीक्षा की और तमाम विकास योजनाओं को अविलंब पूरा करने का निर्देश दिया। बैठक में स्मार्ट सिटी अंतर्गत संचालित कार्यों की स्थिति की विस्तृत समीक्षा की गई। समीक्षा क्रम में योजनाओं को शीघ्र पूरा करने का निर्देश दिया गया। इस दौरान जनप्रतिनिधियों द्वारा संचालित जन कल्याणकारी योजनाओं के संचालन के संदर्भ में सुझाव दिए गए, जिसके अनुपालन को लेकर संबंधित विभाग पदाधिकारियों को निर्देश दिया गया है। वहीं आपूर्ति विभाग द्वारा संचालित योजना की समीक्षा में पात्र व्यक्ति को राशन कार्ड बनाने के लिए आरटीपीएस एवं ऑनलाइन के माध्यम से आवेदन करने की बात कही। साथ ही आपात लाभुकों को राशन कार्ड रद्द करने का निर्देश दिया गया। जिलाधिकारी ने सभी संबंधित विभागों को बैठक में दिए गए निर्देश के अनुरूप संचालित जन कल्याणकारी योजनाओं का जल्द क्रियान्वयन करने का निर्देश दिया। बैठक में उप विकास आयुक्त, विधायक पीरपैती, नाथनगर, सुल्तानगंज परिषद अध्यक्ष, मेयर एवं अन्य जनप्रतिनिधि सहित संबंधित विभागों के पदाधिकारी उपस्थित थे। भागलपुर सुल्तानगंज के अजगैवीनाथ धाम में विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेला की तैयारी को लेकर एसएसपी बाबूराम सिटी एसपी स्वर्ण प्रभात के साथ शुक्रवार को सुल्तानगंज पहुंचे, जहां एसएसपी ने सुल्तानगंज थाना का निरीक्षण किया। इस दौरान एसएसपी बाबूराम और सीटीएसपी स्वर्ण प्रभात ने डीएसपी डॉक्टर गौरव कुमार, सर्किल इंस्पेक्टर रतनलाल ठाकुर, कोतवाली थानाध्यक्ष रामप्रीत कुमार, सुल्तानगंज थानाध्यक्ष लाल बहादुर समेत बाग थाना, अकबर नगर थाना, शाहकुंड थाना और सजोर थाना के थानाध्यक्षों के साथ बैठक कर श्रावणी मेले में सुरक्षा व्यवस्था की तैयारी को लेकर चर्चा की। वहीं सीटीएसपी स्वर्ण प्रभात ने बताया कि विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेला 15 जुलाई से 15 अगस्त तक रहेगी, जिसकी तैयारी को लेकर एसएसपी बाबूराम ने पुलिस अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की है। साथ ही डीएसपी गौरव कुमार एवं सभी थानाध्यक्षों को अपने अपने क्षेत्रों में स्थल निरीक्षण करने का निर्देश दिया गया है। साथ ही पार्किंग की व्यवस्था एवं बाहर से आने वाले
वाले कांवरियों की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर चर्चा की गई। मौके पर कई पुलिसकर्मी मौजूद थे। एक बैठक है सीनियर एसपी भागलपुर के द्वारा की अध्यक्षता में आयोजित किया गया था। आज की बैठक का एजेंडा था श्रावणी मेला जो होने वाला है, जो 15 जुलाई से 15 अगस्त तक होगा, उसकी समीक्षा के लिए की गई है। और इसमें सुल्तानगंज थानाध्यक्ष, बाद थानाध्यक्ष, अकबर नगर थानाध्यक्ष, शाहपुर थानाध्यक्ष, सर्कल इंस्पेक्टर सुल्तानगंज और डीएसपी लॉ एंड ऑर्डर ने भी भाग लिया। और हम लोगों ने पिछले साल जो कार्यक्रम हुआ था 2019 में, जो कि बेहद पैमाने पे था, उसका भी ज्वाइंट ऑर्डर था, उसमें देखा कि कहाँ कहाँ डिपोटेशन होता है और क्या क्या व्यवस्था की जानी है, पार्किंग की व्यवस्था कहाँ की जानी है, ट्रैफिक का नियंत्रण कैसे किया जाएगा, विधि व्यवस्था और जो छोटे मोटे अपराध हो जाते हैं उसका उसकी कैसे रोकथाम लगाएंगे। भागलपुर के समाहरणालय स्थित समीक्षा भवन में आगामी रविवार को होने वाली बीपीएससी की परीक्षा को लेकर शिक्षा विभाग के अधिकारियों के साथ जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन ने बैठक की। बैठक में जिलाधिकारी ने अधिकारियों को कई दिशा निर्देश दिया। वहीं बीपीएससी परीक्षा को लेकर डीएम ने बताया कि तैयारी पूरी हो चुकी है और जिले में कुल 55 केंद्र बनाए गए हैं। उन्होंने कहा कि सभी केंद्र अधीक्षकों को मजिस्ट्रेट की तैनाती में परीक्षा को संपन्न बनाने के लिए कई दिशा निर्देश भी दिया गया है, जबकि इसके अलावा पुलिस अधिकारियों को विधि व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेवारी सौंपी गई है। मौके पर डीडीसी प्रतिभा रानी, जिला शिक्षा पदाधिकारी संजय कुमार, एसडीओ धनंजय कुमार, डीटीओ फिरोज अख्तर सहित कई शिक्षा विभाग एवं पुलिस विभाग के अधिकारी मौजूद रहे। जो है आगामी रविवार को आयोजित होनी है, जिसमें कुल 55 केंद्र भागलपुर जिले में बनाए गए हैं। तो सारे केंद्रों पे हम लोगों की पर्याप्त व्यवस्था है, आज उसी की हम लोगों ने ब्रीफिंग की है। कुल 27,000 कैंडिडेट जो है वो यहाँ अपीयर होंगे एग्जाम में। तो उसी संबंध में सभी केंद्राधीक्षकों को, पुलिस पदाधिकारियों को और मजिस्ट्रेट्स को उनके कर्तव्यों के बारे में ब्रीफ किया गया है शांतिपूर्ण परीक्षा से। भागलपुर में एक और जहां पुलिस प्रशासन के द्वारा ऑपरेशन नवचेतना के तहत नशा मुक्ति अभियान चलाया जा रहा है, जबकि नशा कारोबारियों द्वारा धड़ल्ले से नशीली पदार्थ का धंधा किया जा रहा है। दरअसल शराबबंदी के बाद मेडिकल और सूखे नशे के कारोबार में संलिप्त कारोबारी पुलिस की कोशिशों के बाद भी चोरी छुपे अपने कारोबार को बढ़ा रहे हैं। ताज़ा मामला ततारपुर थाना क्षेत्र का है, जहां कोतवाली और ततारपुर पुलिस ने संयुक्त रूप से कार्रवाई करते हुए कारोबारी अशोक शाह के घर पर दबिश दी और वहां से लगभग 20 बोतल नशीली कफ सिरप को बरामद किया। मामले को लेकर बताया जा रहा है कि कारोबारी अशोक काफी समय से नशीली सिरप का कारोबार कर रहा था, जिसको लेकर पुलिस की लंबे समय से उस पर नजर थी। इसके अलावा आरोपी अशोक शाह का पुत्र पप्पू सुनार भी आपराधिक पृष्ठभूमि का बताया जा रहा है, जिसके खिलाफ कई मामले भी दर्ज हैं। फिलहाल पुलिस अशोक शाह को गिरफ्तार कर उससे पूछताछ कर रही है। भागलपुर में चोरी की घटना आम बात हो गई है। ताजा मामला जिले के बड़ी पोस्ट ऑफिस के समीप का है, जहां बाइक चोरी करने के क्रम में एक चोर लोगों के हत्थे चढ़ गया, जिसके बाद लोगों ने उसकी जमकर धुनाई कर दी। वही मामले को लेकर बताया जा रहा है कि 2-3 पूर्व चोर ने अमित कुमार नाम के व्यक्ति की बाइक चोरी की थी, जिसका नंबर प्लेट बदल कर बड़ी पोस्ट ऑफिस से कचहरी की ओर जा रहा था। तभी बाइक के मालिक ने अपनी बाइक में लगे निशान को देखकर गाड़ी पहचान लिया और लोगों ने चोर की पिटाई कर दी। उधर मामले की जानकारी मिलते ही ट्रैफिक पुलिस मौके पर पहुंची और चोर को गिरफ्तार कर लिया। कहाँ का रहने वाला है? नाम क्या है? अमित कुमार। यहाँ क्या कर रहे हैं? कचहरी के पास ही चुनाता गाड़ी का, गाड़ी के लिए मर चोरी हुआ, जा रहे थे तारीख करने के लिए कचहरी जा रहे। इसका बाइक है ये मालूम नहीं हमको। तो तुम कैसे लेके जा रहा था? मौसा दिया था ये गाड़ी। क्या है मौसा का नाम? मौसा का जन मौसा का नाम क्या है? मंडल है। कहाँ का रहने वाला है मौसा? वो नौतलगर का। अब तो चला एक छोटे से ब्रेक का, फौरन लौटेंगे, देखते रहिए सिल्क टीवी। आपके नजदीकी शहर बौंसी बिहार में एकमात्र फार्मेसी कॉलेज मॉडर्न इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी, जिसमें आपको मिलेगी स्मार्ट क्लास, स्मार्ट लैब और लाइब्रेरी जैसी अत्याधुनिक सुविधाएं। अब आप भी डी फार्मा और बी फार्मा जैसे फार्मेसी कोर्स कर एक निश्चित सरकारी या गैर सरकारी संस्था में जॉब पा सकते हैं, साथ ही अपना खुद का मेडिकल स्टोर भी खोल सकते हैं। इतना ही नहीं, बिहार झारखंड एवं केंद्र सरकार द्वारा प्रदत्त छात्रवृत्ति का लाभ भी प्राप्त कर सकते हैं। आइए अपने बच्चों को इंटर के बाद फार्मेसी कोर्स करवाकर स्वास्थ्य के क्षेत्र में उनका स्वर्णिम भविष्य बनाइए।
फिर से एक बार आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। सुल्तानगंज थाना क्षेत्र के अशाचक पंचायत के भीड़ सम्मन गांव में एक महादलित परिवार के यहां शादी समारोह में गांव के दबंगों द्वारा मारपीट करने का मामला सामने आया है। वहीं घटना को लेकर महादलित परिवार के सोहित कुमार ने बताया कि उसके भाई रोहित की शादी हो रही थी और घर के सभी सदस्य एवं रिश्तेदार शादी की रस्म कर शीतला माता मंदिर से वापस आ रहे थे, तभी 25 की संख्या में आए गाँव के दबंगों उन सभी पर जानलेवा हमला कर दिया और जाति सूचक गालियां भी दी। साथ ही सोहित ने बताया कि मारपीट के दौरान उसके घर के दर्जन भर सदस्य बुरी तरह से घायल हो गए, जिसके बाद सभी घायलों को इलाज के लिए सुल्तानगंज रेफर अस्पताल में भर्ती कराया गया। हालांकि इस घटना को लेकर ग्रामीण कुछ भी बोलने से बचते दिखे। वहीं इसकी सूचना स्थानीय प्रशासन को मिलने के बावजूद पुलिस टीम मौके पर नहीं पहुंची, जिसको लेकर महादलित परिवार में काफी भय का माहौल देखा जा रहा है। लड़की लोग सब नाच रहा था वहाँ, बीच में जाके उधर का छोड़ा लोग सब हंगामा कर दिया। कहाँ पे करेंगे? वहाँ पे स्कूल वाले पास में। कहाँ का लड़का लोग? ये कमरा का लड़का लोग था। कौन लोग? राजपूत लोग। राजपूत लोग? चौहान लोग। चौहान लोग का टोला था, उधर का था चौहान टोला। नाम क्या जाना था? नाम भूल गया है। नाम नहीं जानते हैं? गांव का ही लोग है। क्या आपके साथ क्या किया? हमारे साथ क्या हुआ? मारपीट करा था, हम एक दूसरे को बचाने के लिए करते थे। भागलपुर के भिकनपुर स्थित राजकीय नेत्रहीन आवासीय मध्य विद्यालय के प्रधानाध्यापक, शिक्षकों और कर्मियों ने विभिन्न समस्याओं को लेकर जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन से मिलकर मांगों का ज्ञापन सौंपा है। दिए गए ज्ञापन में नेत्रहीन विद्यालय में हो रही समस्याओं को जल्द दुरुस्त कराने की मांग करते हुए महासचिव अर्जुन कुमार सिंह ने कहा कि विगत 3 वर्षों से स्कूल में एक भी नामांकन नहीं हुआ है, जबकि PRW Act 2016 के तहत दृष्टि दिव्यांगों को समान अधिकार देने की बात कही गई है। उन्होंने कहा कि सरकारी सुविधा बच्चों तक पर्याप्त रूप से नहीं पहुंच रही है, जिसके कारण छात्र यहां से पलायन करने के लिए विवश है और सरकार द्वारा इस स्कूल के संचालन का उद्देश्य भी पूरा नहीं हो पा रहा है, जबकि इसका खामियाजा यहां के शिक्षकों और कर्मियों को भुगतना पड़ता है। आप सबों को बताना चाहूंगा कि भीखनपुर में राजकीय ब्लाइंड स्कूल जो मध्य विद्यालय है वो एकमात्र परिमंडल में विशेष विद्यालय है। उस विद्यालय में आज के डेट में मात्र 8 लड़के रजिस्टर्ड हैं और 1 लड़का उपस्थित है, 7 लड़के वो भी नदारद हैं। विद्यालय की स्थिति ये है कि 3 साल से कोई नामांकन नहीं हुआ है प्रशासनिक उदासीनता के वजह से, और जो छात्र वहाँ हैं, एक छात्र जो मिला उससे हम लोगों ने बात किया तो बताया कि सर यहाँ ना तो पढ़ने लिखने की कोई बुक है किताब है और ना ही जो व्यवस्था होनी चाहिए सरफ साबुन की व्यवस्था नहीं है, खाना वाना सही नहीं मिल रहा है, इसलिए हमारे 6-7 मित्र थे वो भी चले गए। अब मैं भी जाना चाहता हूँ, तो मैं राष्ट्रीय दृष्टिहीन संघ बिहार शाखा का जनरल सचिव हूँ, जनरल सेक्रेटरी हूँ। मैं आदरणीय जिला पदाधिकारी महोदय से मिलकर यह बात रखने आया हूँ। पीस सेंटर परिधि की ओर से भागलपुर कला केंद्र में शुक्रवार को ईद मिलन समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता परिधि के उदय ने की। ईद मिलन समारोह में समाजसेवी रामशरण, प्रोफेसर योगेंद्र महतो, डॉक्टर मनोज मित्तल, डॉक्टर हबीब मुर्शिद खां, छाया पांडे, इनूर होदा, रिजवान खान समेत कई लोगों ने शिरकत की। वहीं पीस सेंटर परिधि के उदय ने बताया कि पर्व त्यौहार हमारे जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा है जो खुशियाँ और नई ऊर्जा का संचार करता है। राहुल ने कहा कि पर्व के मौके पर एक दूसरे की खुशी में शरीक होना ही हमारी संस्कृति है। मिलन समारोह में शहर के कई समाजसेवी और बुद्धिजीवी मौजूद रहे। पीस सेंटर परिधि द्वारा ईद मिलन समारोह का आयोजन हो रहा है और ईद, होली, दिवाली ये त्यौहार जो है वो हम लोगों को एक दूसरे के नज़दीक लाता है, आपसी प्रेम सिखाता है, भाईचारा सिखाता है, और यही जो आपसी प्रेम भाईचारा है यही देश की ताकत है और राष्ट्रीयता यही है, असल में राष्ट्रीयता यही है। तो अगर हम अपने देश को ज़्यादा खुशहाल, ज़्यादा बेहतर और मजबूत देखना चाहते हैं तो हमें एक दूसरे के पर्व त्योहारों में शामिल होना चाहिए। भागलपुर सुल्तानगंज बालूघाट रोड स्थित नाश्ता की दुकान में अपने ही भाई की पत्नी को बेरहमी से पीटने का मामला प्रकाश में आया है। घटना 1 मई की बताई जा रही है, जिसका साक्ष्य पास लगे CCTV में कैद हो गया। वही घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंचे सुल्तानगंज पुलिस ने CCTV फुटेज में सारी करतूत देखकर आरोपी गणेश कुमार को गिरफ्तार कर लिया, जबकि पीड़ित परिवार का कहना है कि आवेदन देने के बावजूद पुलिस द्वारा
दोषियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई और आरोपी गणेश को 4 दिन थाने में रखकर पुलिस ने छोड़ दिया। साथ ही पीड़ित परिवार के सदस्यों ने कहा कि मारपीट के दौरान बीच बचाव में आई 2 बच्ची की भी आरोपियों ने बेरहमी से पिटाई कर घायल कर दिया। जबकि सीसीटीवी फुटेज में पीड़ित महिला गीता देवी का बाल पकड़कर घसीटते हुए आरोपी साफ दिखाई दे रहा है। इसके अलावा कहा कि शंकर शाह, गणेश शाह और महेश शाह के द्वारा बार बार इस तरह की घटना को अंजाम दिया जाता रहा है, लेकिन स्थानीय थाना की ओर से इस पर कोई कार्रवाई नहीं की जाती है। खबर बराबर करते रहता है। अच्छा। एक तारीख को रात में पलांग दिन भर से लगा था, तो हम समझ नहीं पाए कि इन चीज हमको ये मारेगा, लेकिन रात में करीब 8:30 बजे अपने पत्नी, तीनों पत्नी को बुलाया, शंकर साहब, गणेश साहब, महेश साहब ने अपनी पत्नी और पर डायरेक्ट तो तुम्हें ही हो रहा था, उसे हमला करके मेरा मुंडी जो है चूल्हा में झोंकना चाहा। उसके बाद मेरी बेटी आई तो उसको भी मारा, तो उसका हाथ अथी कर दिया, हाथ में जख्म हो गया, छोटी बेटी वाली को हाथ में जख्म हो गया, बेरहमी से मारा और बार बार मारते रहता। जब हम थाना जाते हैं तो थाना में कागज देते हैं या जाते हैं तो पुलिस आती है, ले जाता है इसको पकड़ के, लेकिन थाना से इसको छोड़ा दिया। भागलपुर चंपा नगर नरगा कोठी स्थित पूरनमल बाजोरिया शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय में राष्ट्रीय सेवा योजना की ओर से महिला आत्मरक्षा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान अर्पिता कुमारी ने सभी छात्र अध्यापकों को आत्मरक्षा के अनेक कौशल का प्रशिक्षण दिया और भविष्य में होने वाली आकस्मिक घटनाओं से बचने के उपाय और उसका सामना करने के बारे में जानकारी दी। धन्यवाद ज्ञापन महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर अजीत कुमार पांडे ने किया। कार्यक्रम को महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर अजीत कुमार पांडे, सीटीएस नाथनगर के सीडीआई अमित कुमार, डॉक्टर अजय कुमार झा, मनोहर प्रसाद यादव और संतोष कुमार समेत महाविद्यालय के प्राध्यापक, कर्मचारी, बीएड और डीएलएड के छात्र अध्यापक मौजूद रहे। बांका अमरपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत चिरैया गांव के एक युवक की सड़क दुर्घटना में हुई मौत के बाद आक्रोशित ग्रामीणों ने शव को चिरैया मुख्य पथ पर रखकर बांस बल्ला लगाकर अमरपुर शाहकुंड मुख्य पथ को जाम कर दिया। जाम के कारण मुख्य पथ के दोनों ओर वाहनों की लंबी कतार लग गई और परिजन मुआवजे की मांग को लेकर घंटों जाम पर डटे रहे। वहीं जाम की सूचना मिलते ही शाहकुंड सीओ, सर्किल इंस्पेक्टर, अवर निरीक्षक विनोद पासवान, अमरपुर थाने के प्रशिक्षित दरोगा पवन कुमार समेत काफी संख्या में पुलिस बल मौके पर पहुंची और आक्रोशित लोगों को समझा बुझा कर पारिवारिक लाभ दिलाने का आश्वासन देकर जाम हटवाया। इसके बाद शाहकुंड पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भागलपुर भेज दिया। मृतक की पहचान चांद टोला चिरैया गांव निवासी मोहम्मद अस्पाक उर्फ मोहम्मद फर्रो के रूप में हुई है, जो अपनी नवविवाहिता बीबी शबनम को लेकर ऑटो से भागलपुर से साहिबगंज जा रहा था। भागलपुर के सुल्तानगंज प्रखंड के भिरखुद पंचायत के मध्य विद्यालय के शिक्षक के द्वारा छात्र को बेरहमी से मारपीट करने के मामले में अभिभावक की शिकायत पर निरीक्षण करने पहुंचे प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी रेखा देवी ने मध्य विद्यालय का निरीक्षण किया। इस दौरान प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी ने ग्रामीणों के साथ बैठक कर उनकी समस्याओं की जानकारी ली और उसके अविलंब निदान करने का भरोसा ग्रामीणों को दिया। वहीं इसको लेकर बीईओ रेखा देवी ने बताया कि दोषी शिक्षक को तत्काल प्रभाव से हटा दिया गया है और ऐसा करने वाले शिक्षकों के खिलाफ विभाग द्वारा उचित कार्रवाई की जाएगी। मौके पर पंचायत के मुखिया चंदन कुमार, सरपंच उदित मंडल, पंचायत समिति सदस्य सुधीर कुमार, तरुण कुमार समेत काफी संख्या में ग्रामीण मौजूद थे। जो भी दोषी शिक्षक है उनको अभी तत्काल प्रभाव से यहाँ से हटा दिया गया और शेष जिनकी शिकायत होगी उनको हम कमेटी में रख के उनका ट्रांसफर कर देंगे। और अंत में चलते चलते फिर से एक नजर आज की हेडलाइंस पर। भ्रष्ट जेल अधीक्षक के आवास पर विजिलेंस टीम ने मारा छापा, आय से अधिक संपत्ति का मामला दर्ज। सांसद की अध्यक्षता में आयोजित हुई दिशा की बैठक, जन कल्याणकारी योजनाओं को अविलंब पूरा करने के दिए निर्देश। श्रावणी मेला की तैयारी को लेकर एसएसपी पहुंचे सुल्तानगंज, पुलिस अधिकारियों के साथ कांवरिया पथ की सुरक्षा को लेकर की बैठक। रविवार को होने वाली बीपीएससी परीक्षा को लेकर डीएम ने अधिकारियों के साथ की बैठक, कहा 55 केंद्रों पर होगी परीक्षा। और ऑपरेशन नवचेतना के तहत पुलिस ने नशीली कफ सिरप बेचने वाले को किया गिरफ्तार। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, नमस्कार।